बहुत मेहनत है छोटे, पूरे रोजगार को पानी पिलाना, मस्जिद में रखना, जोड़ना। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज सिटी मार्केट जामिया मस्जिद में दुआ की गई हजरत टीपू सुल्तान शहीद पीस फाउंडेशन के नाम से लोगों के लिए, ऐसे वक्त पर जहां पर बेंगलुरु के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पानी को लेकर, उस वक्त जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद पीस फाउंडेशन के नाम से पानी का यानी कि बॉटलों का जो है वहां पर लोगों को सहूलियत करके देने के लिए रमज़ान के मौके पर तकरीबन कई सारे मसाजिद को जामिया मस्जिद से जो है इस फाउंडेशन की जानिब से पानी वहां से सप्लाई किया जाएगा इफ्तार के मौके पर। इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाने वाले प्रेसिडेंट यूके इरफान खान और वाइस प्रेसिडेंट हैं यूके तब्रेस खान, इन लोगों की जानिब से जो है इस तरीके की सहूलियत का काम ये लोगों को दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कई सालों से आज भी तकसीम होती है जामिया मस्जिद से। तो चलिए जानते हैं इनका क्या कहना है इस सिलसिले में, हम जानते हैं। बहुत मेहनत है छोटे, पूरे रोजदारों को पानी पिलाना, मस्जिद में रखना, जोड़ना। तो वाला कश्यपुर फुल्लू, वाला कलमजद फुल्लू, इलैक युरजउल अम्रु फुल्लू, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما। اے اللہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا, برکتوں والا مہینہ شروع ہوا। اے اللہ بہت سارے احباب روزداروں کو افطار کرانے کی فکر کر کے ان کو افطار کرا رہے ہیں। اے اللہ ہمارے ایک نوجوان ساتھی عرفان بھی, اے اللہ روزداروں کے لیے پاک پانی کا انتظام करने के लिए यहाँ से इसका आगाज फरमाया है, क्योंकि इस वक्त बेंगलुर के बहुत सारे इलाकों में पाक पानी मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। अल्लाह इस पानी की तकलीफ से हमारे इस शहर की हिफाजत फरमा। अल्लाह बारिश को नाजिल फरमा। अल्लाह सब के लिए पानी मैसर हो, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह आप ही बारिश के मालिक हैं, अल्लाह पानी के देने वाले आप ही हैं। बहुत सारे अहबाब आके शिकायत किए हैं कि उनके बोरवेलों में पानी सूख गया है, अल्लाह पानी खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में लोग अपने घर छोड़कर जहां पानी है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारे एक नौजवान साथी इरफान साहब रोजदारों का ख्याल रखते हुए उनके लिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से सुल्तान एक नाम देकर पानी को पहुंचाने और इफ्तार के वक्त में, ताकि इस पानी से लोग रोजा खोले और इनको सवाब मिलता रहे, इनके वालिदैन को सवाब मिलता रहे, इनके भाइयों को सवाब मिलता रहे, इसके खातिर उन्होंने ये काम किया है। अल्लाह आपकी बारगाह में इस कार्य खैर को शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह रोजेदारों की अल्लाह खिदमत करना, उनके लिए इफ्तार कराना, उनके लिए पानी का एक घूंट पिलाना या दूध का एक घूंट पिलाना या इसी तरह खजूर के जरिए से इफ्तार कराना, ये वो सारे अजर हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी ये काम अंजाम देगा रोजेदार को जो सवाब मिलेगा वही सवाब रोजेदार के लिए इन कामों को अंजाम देने वाले के लिए भी मिलेगा। अल्लाह इन सारी खिदमत को आपकी बारगाह में कबूल फरमाई। अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फजल करम से और अपने हबीब पाक के सदके तुफेल कबूल फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين। बताइए अभी बेंगलुरु शहर में पानी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वक्त आप रमजान के महीने में पानी के बॉटलें दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको, सारे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से, हमारे घर वालों की तरफ से सबको रमजान मुबारक हो। आज का जो वक्त चल रहा है पानी की किल्लत का, इसलिए एक दो तीन दिन पहले बैठ के डिसाइड करें कि इंशाअल्लाह इस बार मुसलमान को हर एक को पानी अपने फाउंडेशन की तरफ से बांटेंगे, और इंशाअल्लाह ये काम मुकम्मल हुआ, तीन दिन के अंदर बैठ को स्टार्ट करे, और ये काम इंशाअल्लाह स्टार्ट होकर है आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद पीस फाउंडेशन की जानिब से।
आज पानी का इंतजाम कर को है, हर यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक 7 मस्जिद तक तय कर को है और हर मस्जिद को यहाँ से इंशाल्लाह आज पानी जाए। मतलब जामिया मस्जिद से जो है यहाँ से फिर अलग मस्जिदों को जाएगा। जी जी, यहाँ से अलग मस्जिदों को जाएगा। सिटी के जो 7 मस्जिद है, हाँ, मस्जिदों को जाएगा। कल से रहेगा या कैसा रहेगा? इंशाल्लाह पूरा रमजान रहेगा, पूरा रमजान। देखिए सर, डेली 1000 बॉटल का इंतजाम किया है, इंशाल्लाह डेली उसमें डिवाइड होकर 5 मस्जिदों को जाएंगे। और भी बढ़ने की कोशिश है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में और बढ़ जाएंगे। पानी के साथ साथ कोई और दूसरी चीज आज बनाकर है मस्जिद में हमारी, यहाँ पे 10 साल से शुरू कर को ही आज का, पहले बाहर बनाकर बांटते थे, अब 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से परमिशन लेकर सेक्रेटरी साहब के साथ, इमाम साहब के साथ अंदर बना रही, 4 साल से यहाँ पे आज का बंदोबस्त। तो यहाँ पर लोगों को डेली तकसीम होगा। जी जी जी, ये मामला क्या हुआ, मदीने मुनव्वरा में इफ्तार के वक्त का माहौल ऐसा रहता कि जो भी इफ्तारी आता, इफ्तार करने के वास्ते जो रोजेदार आता है, तो छोटे छोटे बच्चे उसे हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर लेके जाके बिठाते। तो जब मैं वहां पहुंचा मदीने में, तो मैं सोचता कि हमारे बैंगलोर में भी ऐसा माहौल होना कि रोजेदार को जब उन्हें आता है तो एक जगह पर उसे हर चीज मिल जाना। तो अब जितनी ताकत है ये पीस फाउंडेशन की तरफ से पानी का इंतजाम करको ही, इंशाल्लाह आने वाले साल में और बढ़ता। ये जो HTS है, हजरत टीपू सुल्तान शहीद पीस फाउंडेशन, सुल्तान के नाम से ये पानी बांट रहे हैं। ये जो आया जहन में, ये आया मदीने से, बांट रहे हैं सुल्तान के तरफ से। और पूरे रोजदारा से इल्तिजा है कि वो दुआ करें गाजा के वास्ते, फलस्तीन के वास्ते, फलस्तीन के मुसलमानों के वास्ते दुआ करें, अल्लाह जल्द से जल्द उनकी हिफाजत फरमाए और इस जंग को खत्म करे। जो आज का मतलब है, जो पानी जो रखे दे रहे हैं, वीडियो में बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिखावा करना बोलको, ये जो कर रहे हैं कि कौम को एक मैसेज जाए और भी नौजवान आगे बढ़कर आए, हर एरे के नौजवान बढ़कर आए और उनकी मस्जिद में पानी का, रोजा खोलने का, आज का बंदोबस्त करे। आज मुसलमान हर चीज के लिए वक्त गुजार रहा है, निकाल रहा है, मगर अपने जो पुराने जो चीज है उनको बढ़ाने के लिए कोई वक्त नहीं निकल रहे। तो नौजवाना से आजिजाना गुजारिश है कि आगे बढ़कर आए, हर मस्जिद में आज का बंदोबस्त करें, पानी का बंदोबस्त करें, शरबत का बंदोबस्त करें, अपने हाथ से जो हो सकता है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज आप करें। शुक्रिया।